जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके? चलिए हम आ गए हैं नया वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अब से हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो हमारा एकेडमिक क्लासेस जो चल रही है, जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, और हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जो क्लासेस है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया, एक्सरे की खोज किसने की। हम ये पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा रेडियोलॉजी से संबंधित सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसीलिए यही लिया है। तो एक्सरे की डिस्कवरी किसने की है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मैरी क्यूरी है, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, चौथा ऑप्शन है विलियम कोनार्ड रोंजन। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। जो मैरी क्यूरी है उन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी, ना कि एक्सरे की डिस्कवरी की थी। मैरी क्यूरी ने जो डिस्कवरी की थी वो थी रेडियम की डिस्कवरी, जो कि 1898 में की थी, जो कि एक्सरे की डिस्कवरी के बाद की थी। तो आपके लिए क्वेश्चन अभी यहीं से बन जाता है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है, आज का पहला क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये बताना है एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सर्च वगैरह नहीं गूगल से, अपने मन से बताइएगा। तो चलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जो है वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने किया था स्मॉल पॉक्स जो होता है, जो चेचक जो जिसे बोला जाता है, चेचक जो बीमारी होती है, जो उसके टीके लगते हैं, चेचक के टीके लगते हैं, स्मॉल पॉक्स बोला जाता है उसे, उसकी जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने उसकी डिस्कवरी 1796 में की थी, 1796 में। और जो उसको यूज में लिया गया था, जो वैक्सीन है उसको यूज में लिया गया था, वो था 1798 में। तो ये भी नहीं हो सकती एक्सरे की डिस्कवरी में। चलिए हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने डिस्कवरी की थी कि जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका कारण क्या है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो कारण होता है उसकी डिस्कवरी की थी उन्होंने, तो वो की थी 1882। तो ये भी एक्सरे की डिस्कवरी से कोई संबंधित नहीं है। चौथा होता है हमारा विलियम कोनार्ड रोंजन, जो कि नाम आपने सुना होगा। विलियम कोनार्ड रोंजन जो थे उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, जो कि 1895 में की थी, 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी, जो कि विलियम कोनार्ड रोंजन ने की थी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ये हो जाता है ऑप्शन डी, विलियम कोनार्ड रोंजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो आपको जो एग्जाम्स आती है, जो आप एग्जाम में बैठते हो जहां पर, वहां पर आपको चारों ऑप्शन देखने हैं अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, उसके बाद ही आपको सही करना है। कोई जल्दबाजी में कुछ सही नहीं करना है। जो बोलते हैं कि जो क्वेश्चन देखो आंसर देखो उसके अलावा कुछ नहीं, तो उसमें बहुत सारी बार गलत हो जाता है, तो ये अपन को नहीं करना है। ये अपने को कितना करना है, जो चारों ऑप्शन है उनको अच्छे से देखो, उनको अच्छे से पढ़ो कि हाँ उन्होंने क्या किया था, वो ऑप्शन सही है या नहीं है, वो चीज देखो, उसके बाद ही आप राइट करो, ठीक है। और क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलिए हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जो एक्सरे होती है हमारी उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ। अब ये जो अपन ने नीचे दी है ये सारी वेवलेंथ हैं, इनमें से कौन सी वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, कौन सी वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो नीचे दी हुई सारी वेवलेंथ्स हैं, ये सारी वेवलेंथ के दी हुई है 500 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। ये चारों जो वेवलेंथ्स दी हुई है उनमें से जो एक्सरे की वेवलेंथ है उससे संबंधित कौन सी है।
तो हमने जैसे कि पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो एकेडमिक लेक्चर्स हैं, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है वेवलेंथ क्या होती है और एक्सरे की कितनी वेवलेंथ होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज जाके पहले लेक्चर्स एकेडमिक वाले देख लीजिएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको एकेडमिक जो लेक्चर्स होते हैं, जो थ्योरी लेक्चर्स है, वो अगर क्लियर है तो आपको एमसीक्यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी ज्यादा। तो आप प्लीज जाके पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी हमारे जो लेक्चर हैं इस पे हम एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों ही चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो 5000 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर तो आप भूल जाओ, ये तो हो ही नहीं सकती 5000 और 500, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेवलेंथ हो जाती है। इतनी ज्यादा वेवलेंथ एक्सरे की हो ही नहीं सकती, हमें पता है। तो 100 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर में से कितनी हो सकती है, तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा कम होती है, तो 1 नैनोमीटर उसकी जो वेवलेंथ है वो होने वाली है। 100 नैनोमीटर ज्यादा हो जाती है तो इतनी नहीं होगी। 1 नैनोमीटर जो होता है, 0.1 माइक्रोमीटर जो होता है, 0.01 माइक्रोमीटर जो होता है, वो हमारी एक्सरे की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वेवलेंथ नहीं होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी वो सही होने वाला है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो जिगर ट्यूब से डिटेक्ट होती है, आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन लाइक जिगर ट्यूब से डिटेक्शन के लिए यूज होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मतलब कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो जिगर ट्यूब होती है हमारी, उससे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट होती है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। दूसरा हमारा माइक्रोवेव, तीसरा हो गया लाइट रेस, और चौथा हो गया अल्ट्रावायलेट रेस। अब इस ऑप्शन में देखिए, चारों जो ऑप्शन है, मैंने क्या बोला था आपको, चार ऑप्शन अच्छे से देखना है, तो ये चारों ऑप्शन अच्छे से देखिए और इसमें बताइए कि हमें क्या अलग लग रहा है, इसमें अलग क्या लग रहा है, आप सोचिए। ये चीज इसमें अलग ये है, मैं बता देता हूं आपको, जो माइक्रोवेव है, जो लाइट रेस है और जो अल्ट्रावायलेट रे है, ये तीनों आप देखिए और एक्सरे देखिए आप, जो ये तीनों वेव्स होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है, बट ये होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरी लेक्चर्स जो हैं वो उनको जाके देखिए अच्छे से, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है। तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो होती है माइक्रोवेव, लाइट रेस और अल्ट्रावायलेट रेस, और जो हमारी एक्सरेज होती है वो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो हमारी होती है एक्सरेज, गामा रेस, अल्फा रे, बीटा रे, न्यूट्रॉन्स, ये सारी जो होती है वो हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो ही हमारी जिगर ट्यूब से डिटेक्ट होती है। आप ये समझ लीजिए, जो हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो ही जिगर ट्यूब से डिटेक्ट होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती है। तो हमारी जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो नीचे वाली जो तीनों है, ये तीनों यहाँ पे गलत हो जाती है और एक्सरे हमारी सही हो जाती है, क्योंकि एक्सरे जो है वो ही जिगर ट्यूब से डिटेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ पे गामा रेस होता तो हमारे को दिक्कत हो जाती कि उसमें से कौन सा सही करें, पर यहाँ पर अगर तीनों नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है और एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो जिगर ट्यूब से हमेशा आयोनाइजिंग रेडिएशन ही डिटेक्ट होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, एक्सरे इज एन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि मैं बता रहा हूँ एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो जो जिगर काउंटर होता है, जिगर ट्यूब जो होती है, उससे आयोनाइजिंग रेडिएशन ही हमेशा डिटेक्ट होती है। तो जिगर ट्यूब क्या होती है हम देख लेते हैं। जिगर ट्यूब जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जिगर ट्यूब एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। क्या है को डिटेक्ट कर और मेजर करता है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, बीटा रे हो गया, अल्फा रे हो गया, ये सारी जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है
इनको डिटेक्ट करता है जिगर ट्यूब। तो जो कि मैंने बताया है जिगर ट्यूब हमेशा आयोनाइजिंग रेडिएशन को ही डिटेक्ट और मेजर करती है। तो वहां पर जो ऑप्शंस आएंगे अगर वो चेंज भी हो जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है और आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है। तो आप वहां पर ऑप्शंस बिल्कुल सही करेक्ट टिक लगाएंगे, आप गलत नहीं करेंगे वहां पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विच एमोंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द हेवीएस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ ऑन टर्म ऑफ एटॉमिक वेट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, चार हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, ये चार एलिमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एटॉमिक वेट के टर्म में, एटॉमिक वेट के टर्म में जो अर्थ है उस पर सबसे ज्यादा हेवीएस्ट एलिमेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा भारी एलिमेंट जो होता है वो कौन सा है इन चारों में। चारों ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, पहला हो गया हमारा कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा सिल्वर और चौथा यूरेनियम। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा हमारा सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट होता है। ये क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं क्योंकि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एटॉमिक वेट्स कोई याद रखता नहीं है, फिर भी हम एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं, कभी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो हम बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन सा एलिमेंट जो भारी है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए, तो इस वजह से हम इन क्वेश्चन को देखते रहेंगे। तो पहला जो हमारा कॉपर है, कॉपर का जो एटोमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट इतने जल्दी याद नहीं होगा किसी को भी, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर स्किप करते हैं पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी नंबर्स पे ध्यान दीजिए। आप ऐसा नहीं हो कि एक नंबर के चक्कर में आप बाकी के जो पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सारे नंबर है हमारे, उनको स्किप कर दें, तो आप एक ही जगह पे बैठे नहीं रहिए कि क्वेश्चन पे अटके नहीं रहिए, आप दूसरे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको इस टाइम स्किप कर दीजिए, आप मुझसे पूछिए क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा बाकी, और आपको जो भी लगे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो जो हम देख लेते हैं, पहला जो कॉपर होता है हमारा, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5, ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5। जो आयरन होता है उसका होता है 55.8, आयरन का होता है 55.8। तो आयरन हो गया वो तो यहीं पे माइनस हो गया, आयरन यहां से क्रॉस हो गया क्योंकि यहां पर कॉपर का ज्यादा है 63.5, तो आयरन तो हो ही नहीं सकता। जो सिल्वर है हमारा 107.8, 107.8 इसका एटॉमिक वेट होता है, मतलब कि यहाँ पे कॉपर क्रॉस हो गया, कॉपर नहीं हो सकता, यहाँ पर सिल्वर होगा। अब हम यूरेनियम देख लेते हैं, यूरेनियम का कितना होगा, यूरेनियम का होता है 238.0, मतलब कि 238.0 इसका एटॉमिक वेट होता है, मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका हो गया हमारा, यूरेनियम का। तो हमारा सिल्वर यहाँ पर हो ही नहीं सकता, हमारा यूरेनियम जो है वो सही आंसर है। यूरेनियम जो है हमारे अर्थ पे जो एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा हेवीएस्ट एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया हुआ है, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ARTech उस पर सारी मिल जाएंगी, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेस इज न्यूट्रल इन नेचर, इनमें से कौन सी रे है जो न्यूट्रल होती है नेचर में, वो कौन सी ऐसी रे है, जो चार रे दे रखी है उनमें से कौन सी ऐसी रे है जो न्यूट्रल होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पहले कैथोड रे, पहला ऑप्शन हमारा हो गया कैथोड रे, दूसरा हमारा हो गया अल्फा रे, तीसरा हो गया हमारा बीटा रे और चौथा हो गया हमारा गामा रे। तो इन चारों में से कौन सी रे जो है वो न्यूट्रल होती है, तो हम देख लेते हैं। पहली जो कैथोड रे होती है, कैथोड रे हमेशा नेगेटिव होती है, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रे में, मतलब कि ये न्यूट्रल नहीं होगी,
कैथोड रे जो होती हैं वो न्यूट्रल नहीं होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा रे जो होती हैं, अल्फा रे का सबको पता है ये हीलियम न्यूक्लियाई से बना होता है। हीलियम न्यूक्लियाई में हमारा जो होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि इसमें प्लस टू चार्ज होता है, तो मतलब कि इसमें चार्ज होता है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें प्लस टू चार्ज होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो पाएगा। जो बीटा रे होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस वन चार्ज होता है, तो इसमें भी चार्ज होता है, मतलब कि ये भी न्यूट्रल नहीं है। तो हमारी जो गामा रेज होती है, गामा रे होती है, ये गामा रेज के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो एक्सरेज होती है और जो गामा रेज होती है उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कि ये न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा गामा रे। गामा रे जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हुआ है। गामा रे में कोई भी चार्ज नहीं होता है, गामा रे हमेशा न्यूट्रल होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा डज नॉट चेंज व्हेन द टारगेट मटेरियल इज चेंज्ड। तो हमारा क्वेश्चन है जो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होती है। वो कब चेंज नहीं होती है? जब अगर टारगेट मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया जाए, अगर टारगेट मटेरियल को ही चेंज कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होती है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा इंटेंसिटी, दूसरा वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइंस, तीसरा हो गया शेप ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और चौथा हो गया कट ऑफ वेवलेंथ। तो जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती है, अगर टारगेट मटेरियल अगर चेंज होता है तो इंटेंसिटी हमेशा चेंज होती है। कैरेक्टरिस्टिक लाइंस जो होती है वेवलेंथ की वो भी चेंज होती है। जो शेप होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का वो भी चेंज होता है, पर जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होती है। जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो हमारा राइट आंसर होगा। कट ऑफ वेवलेंथ हमेशा कभी भी चेंज नहीं होती है, अगर टारगेट मटेरियल को अगर चेंज कर दिया जाए तो भी कट ऑफ वेवलेंथ एक्सरे स्पेक्ट्रा से एक्सरे स्पेक्ट्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा चेंज होती है, जो वेवलेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक लाइंस की वो हमेशा चेंज होती है, पर जो मिनिमम वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है एक्सरे की वो कब इंक्रीज होती है, जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है एक्सरे की वो कब इंक्रीज होती है, मतलब कि अगर ऐसा क्या होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, अगर हम फिलामेंट के अंदर करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारी पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है एक्सरे की वो इंक्रीज होगी। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम अगर कम कर देते हैं तो क्या पेनेट्रेटिंग पावर होती जो होती है एक्सरे की वो इंक्रीज होगी। डिक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, अगर फिलामेंट का करंट हम डिक्रीज कर देते हैं तो क्या एक्सरे की पेनेट्रेटिंग पावर इंक्रीज होगी, या फिर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कैथोड और एनोड का के बीच का उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज होगी। तो जो हमारा करंट है फिलामेंट का उससे पेनेट्रेटिंग पावर या फिर एक्सरे की जो पावर होती है, एक्सरे की जो एनर्जी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है, क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। जो करंट होता है फिलामेंट के अंदर उससे क्वांटिटी पे फर्क पड़ सकता है, क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये जो ऑप्शन होता है हमारा ये गलत है। करंट जो होता है वो ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो ये ऑप्शन हो गया और ये ऑप्शन हो गया, जो ए और सी ऑप्शन दोनों गलत है। ये दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि करंट से कोई फर्क ही पड़ ही नहीं पड़ रहा है, करंट से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो क्या ही मतलब है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कैथोड और एनोड का वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है।
तो उसके ऊपर डिपेंड करती है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में नापते हैं। तो पोटेंशियल जो वोल्टेज होता है हमारा, अगर वो डिक्रीज होगा तो उस जो एक्सरे की पेनेट्रेटिंग पावर है वो हमेशा कम होगी, उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, क्योंकि उसका वोल्टेज कम हो रहा है। वोल्टेज एनर्जी होती है एक्सरे की, मतलब कि वोल्टेज जो होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्वालिटी होती है। जो वोल्टेज होता है, करंट जो होता है वो क्वांटिटी होती है, वोल्टेज जो होता है वो क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी है एक्सरे की वो अगर बढ़ानी है तो वोल्टेज हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज बढ़ता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा बढ़ेगा। तो इस वजह से इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है और जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अगर कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, तो जो पेनेट्रेटिंग पावर जो है एक्सरे की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, जो मैंने समझाया है वो ही एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरे एंड इंफ्रारेड रे। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे और इंफ्रारेड वेव्स, इनमें से कौन सी वेव है या फिर कौन सी रे है, कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, लिस्ट वेवलेंथ वाला जो है वो आप बता दीजिएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस में वही सब दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरे और इंफ्रारेड वेव्स। तो इन सभी में से कौन सी जो लाइट वेव या फिर रे जो बोल देते हैं हम, वो सबसे कम वेवलेंथ वाली है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, पर आप इस चीज के लिए भी जो हमारे पहले लेक्चर्स हैं, जो थ्योरी लेक्चर्स है वो देख लीजिए। उसमें मैंने जो स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप वो अच्छे से पढ़िए, उसमें से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर में हैं वो उसमें से बने हुए हैं, तो आप ये सब चीजें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो इंफ्रारेड रे होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इन सभी में, इन सभी में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड वेव्स की, तो हमें सबसे कम वाली चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो इंफ्रारेड रे, उसके बाद विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है, मतलब कि इंफ्रारेड रे से जो कम होती है वो विजिबल लाइट होती है। उसके बाद हमारी अल्ट्रावायलेट वेव होती है, और एक्सरे सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है। मतलब हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है, विजिबल लाइट नहीं हो सकता, अल्ट्रावायलेट वेव नहीं हो सकता, जो एक्सरे है वो ही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे एक्सरे जो है वो ही हमारा राइट आंसर है। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। आगे मैं आपको स्पेक्ट्रम बता देता हूँ। ये देखिए स्पेक्ट्रम, यहाँ पर देखिए रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और गामा रे की सबसे कम है। तो यहाँ पर जो एक्सरे हमें दिया हुआ था, एक एक्सरे दिया हुआ था ऑप्शन में, अल्ट्रावायलेट रे दिया हुआ था, विजिबल लाइट दिया हुआ था और इंफ्रारेड रे दिया हुआ था। मतलब कि ये चारों जो हैं ये हमें ऑप्शंस में दिए हुए थे, इसमें से सबसे कम जो वेवलेंथ है वो है एक्सरे की और सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रे की, जो कि मैंने आपको बताया है। और इसको डिटेल्ड पढ़ने के लिए जो वेवलेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके लिए आप लेक्चर्स देख लीजिए। जो रेडिएशन वाले लेक्चर हैं पहले वाले दो, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उसमें रेडिएशन को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज आर पॉसिबल इन केस ऑफ एक्सरे। एक्सरे में इन सभी प्रॉपर्टी जो दी हुई है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है? तो पहला हमारा पोलराइजेशन हो गया, दूसरा डिफ्रेक्शन हो गया, तीसरा इंटरफेरेंस हो गया, और चौथा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ऊपर वाले तीनों ही सही है, ये हो गया इसमें, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन होता है हमारा, पोलराइजेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं पहले। पोलराइजेशन जो होता है वो अगर रे की कहीं से भी पार हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक पार हो रही है, तो वहां पे जो दोनों तरफ जो रे होती है वो दोनों रे एक दूसरे से अलग अलग है, और कितनी अलग है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं।
और जो डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन मतलब कि अगर कोई रे कहीं पे टकराती है, कहीं से पार होती है, तो वहां से स्प्रेड हो जाती है, मतलब कि वो फैल जाती है, उसको डिफ्रेक्शन बोलते हैं। और इंटरफेरेंस मतलब कि दो या तीन जो सोर्स होते हैं रेस के, उनको अगर साथ में कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो जो हमारी एक्सरे होती है, मतलब पोलराइजेशन मतलब कि एक किसी भी जो मटेरियल हो गया उससे पार हो रही है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, तो वहां पर जो हमारी रे है वो पेनेट्रेट कर रही है, मतलब कि वो एक्सरे भी पेनेट्रेट कर रही है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है एक्सरेस में, क्योंकि ये पेनेट्रेट कर रही है। जो डिफ्रेक्शन है, डिफ्रेक्शन मतलब कि वो कहीं से पेनेट्रेट कर रही है, चलो ठीक है, पेनेट्रेट करके वो वहां से फैल रही है, मतलब कि वो स्प्रेड हो रही है, मतलब कि वो वहां से जो रेडिएशन है वो इधर उधर जा रही है। तो डिफ्रेक्शन मतलब कि जो एक्सरे होती है उसमें भी ये होता है, तो एक्सरे में भी ये प्रॉपर्टी होती है। तीसरा जो होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब कि दो या दो से अधिक सोर्स से जो निकली हुई रे है उनको कहीं पे भी मिलाना, तो ये भी हो सकता है एक्सरे में। तो ये सारी चीजें हमारी सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबोव हमारा सही रहेगा यहाँ पर। ये तीनों जो चीजें हैं, जो तीनों जो प्रोसेस हो रही है, वो प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सरेज में देखी जाती है, तो ये तीनों ही सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसमें भी वही बताया है, थोड़ा कम बताया है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन एक्सरेस, एक्सरेस पे कौन सा चार्ज होता है? तो पहला जो ऑप्शन होता है हमारा वो है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, क्या इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एक्सरेस में, क्या उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है केवल। तीसरा ऑप्शन हमारा ये है। चौथा ऑप्शन केवल पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर या तो आप अगले लेक्चर्स में ले लीजिएगा, अगले लेक्चर के जो लास्ट हैं उसमें मैं बता दूंगा कि इसका क्या आंसर है, या फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। बिना सर्च किए, बिना गूगल किए आप मुझे ये आंसर बताइएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक आंसर है इसका, जो कि मैं पहले भी इसी लेक्चर में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना देखे आप आंसर करिएगा, उसमें देख के तो कोई भी आंसर कर देता है, आपको बिना देखे आंसर करना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ हैव द लार्जेस्ट पेनेट्रेशन पावर, कौन सी ऐसी वेवलेंथ है, ये जो नीचे दी हुई है चारों, उनमें से कौन सी वेवलेंथ है जिसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो जो पहली है हमारी 2 एंगस्ट्रॉम, दूसरी 4 एंगस्ट्रॉम, तीसरी 8 एंगस्ट्रॉम या फिर 16 एंगस्ट्रॉम, इन चारों में से कौन सी जो पेनेट्रेशन, जो वेवलेंथ है उसकी पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि एंगस्ट्रॉम अगर 16 है तो वो ही सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन पावर रखती होगी, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो एंगस्ट, जो वेवलेंथ है हमारी, वो जितनी कम रहेगी पेनेट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जो वेवलेंथ जो कम होती है उसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है, और जो वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका पेनेट्रेशन पावर कम होता है। तो जो हमारा 2 एंगस्ट्रॉम है सबसे कम वेवलेंथ है इनमें से, इन चारों में से सबसे कम वेवलेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम, तो जो 2 एंगस्ट्रॉम होगा उसकी पेनेट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ए वाला हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the difference between soft and hard X-rays? Soft और hard X-rays में क्या difference होता है? ये हम देख लेते हैं। इन soft और hard X-rays में क्या-क्या difference होता है? ये हम देख लेते हैं। हमारे पास चार option है। Velocity पहला, दूसरा है intensity, तीसरा है frequency और चौथा है polarization। तो हमारा polarization तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं से पार हो रही है, तो सॉफ्ट और हार्ड का तो कोई पोलराइजेशन से सवाल ही नहीं उठता। दूसरा हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो देखिए जो जो इंटेंसिटी होती है वो इसकी स्पीड होती है, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ वो स्पीड से फर्क पड़ जाता है कि सॉफ्ट और हार्ड है, वो पड़ता है हमारी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी से हमेशा फर्क पड़ेगा कि जो
रेडिएशन है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो हम फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंस जो होता है सॉफ्ट और हार्ड रेडिएशन का, वो होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, जो बीच में एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा। चलिए, लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। आगे हम बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज लाने वाले हैं। ये तो मैंने बेसिक सा जो है वो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है वो ले लिए थे। इसमें जो अगले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो हम उसको कंबाइन करके भी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आज वैसे भी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, चलिए यहाँ खत्म करते हैं। बाकी जो भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने वाले हैं या फिर किसी को नॉलेज चाहिए इस चीज के बारे में, तो आप उनको जो हमारा चैनल है एआरटेक वो शेयर करिएगा, और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स जो है जिन्हें थ्योरी पढ़ना है या फिर जिन्हें जिन्हें थ्योरी पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, उन्हें भी आप चैनल शेयर करिएगा जो अपने लैंग्वेज में पढ़ सकता है। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय।